Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 8,66,503 तक जा पहुंची। हलाकतें 21,994 हो गई। कनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू। मुसलसल पांचवें रोज 1,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सूबे में कोरोना की नई अकसाम के केसेस की तादाद 558 हो गई। अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरजम है। कनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कनाडा अमेरिका मिलकर चीन का एहतसाब करेंगे। बाइडेन इंतजामिया की इतिहादियों से मुतालिक पॉलिसी को कदर की निगाह से देखते हैं। टेक्सास और दीगर रियासतों में आने वाला तूफान वार्निंग थी। अमरीकी सदर जो बाइडन की माहौलियाती तब्दीलियों की कौमी मुशीर ने तूफान को वेकअप कॉल करार दे दिया। टेक्सास और दूसरी रियासतों में आने वाले शदीद नौयत के बर्फानी तूफान से भारी माली नुकसान हुआ है। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 11,46,00,000 से बढ़ गई। मरने वालों की तादाद 25,43,285 हो गई। 9,02,00,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऐश्वर्या राय की हमशक्ल पाकिस्तानी लड़की के चर्चे। आमना इमरान नामी पाकिस्तानी खातून की शक्ल ऐश्वर्या राय से बहुत मुमासलत रखती है। कहती है, लोग मुझे भारतीय अदाकारा की हमशक्ल भी कहते हैं। शान शाहिद का रवा बर्स फिल्म जरा रिलीज करने का ऐलान। शान शाहिद ने सिनेमा खुलने के फैसले को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर करार दिया। फिल्म की कहानी खुद शान शाहिद ने तहरीर की है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के पील रीजन में 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है, जबकि टोरंटो में रवा हफ्ते बेघर अफराद में वैक्सीन की फराहमी मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमुई तादाद 8,66,503 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 21,994 हो गई, जबकि 8,13,778 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 2,87,740 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,393 तक पहुंच चुकी है। ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,816 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,980 है। ओंटेरियो के पील रीजन में 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है, जबकि टोरंटो में रवां हफ्ते बेघर अफराद में वैक्सीन की फराहमी मुतवक्के है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,33,504 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,866 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में 79,262 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,355 है। कनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना केसेस की तादाद 3,00,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के मजीद 1,062 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना केसेस की तादाद 3,00,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के मजीद 1,062 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत की जानिब से थंडर बे और सिमको मिस्कोका रीजन में इमरजेंसी ब्रेक का आगाज कर दिया गया है। सूबे में लगातार पांचवें रोज कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद
6,980 हो गई है। सूबे में कोरोना की नई इकसाम के मजीद केसेस सामने आने के बाद उनकी तादाद 558 हो गई है। ऑन्टेरियो की हुकूमत ने दो हफ्ते कबल सूबे के बहुत सारे खित्तों के लिए स्टे एट होम ऑर्डर खत्म किया था और 3 हेल्थ यूनिट्स के अलावा तमाम यूनिट्स को कोविड पाबंदियों के निजाम में मुंतकिल कर दिया था। तवक्को की जा रही है कि टोरंटो, पील और नॉर्थ बे पैरिस साउंड के इलाकों में 8 मार्च तक स्टे एट होम ऑर्डर नाफिज रहेगा। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से नए अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से तहादियों के साथ मिलकर काम करने के अजम को सराहा गया है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रूडो ने कोरोना वायरस वैक्सीन, सऊदी अरब और कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन मंसूबे पर गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से नए अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के अजम को सराहा गया है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रूडो ने कोरोना वायरस वैक्सीन, सऊदी अरब और कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन मंसूबे पर गुफ्तगू की। उनका कहना था कि नई अमरीकी इंतजामिया मुल्की और आलमी चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। ट्रूडो से जब सवाल किया गया कि क्या सऊदी अरब कैनेडा का इत्तेहादी है तो उन्होंने इससे इनकार किया। उनका कहना था कि हम सऊदी अरब के साथ सिर्फ कारोबार करते हैं। कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि हम अमरीका के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमरीकी फैसले पर मायूसी हुई। चीन में कैद 2 कैनेडियन के हवाले से ट्रूडो का कहना था कि इससे चीन और कैनेडा के ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। इस मुतालिक अमरीकी सदर के साथ बातचीत हुई जो नहायत मुस्बत रही। कैनेडा और अमरीका मिलकर चीन का एहतसाब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की माहौलियाती तब्दीलियों की कौमी मशीर ने अमरीकी रियासत टेक्सास और दीगर रियासतों में हाल ही में आने वाले बर्फानी तूफान को माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा करार देते हुए इसे अवामुल्नास और हुकूमत के लिए एक तनबी और जाग जाने का पैगाम करार दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन की माहौलियाती तब्दीलियों की कौमी मशीर जैना मिकार्थी ने अमरीकी रियासत टेक्सास और दीगर रियासतों में हाल ही में आने वाले बर्फानी तूफान को माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा करार देते हुए इसे अवामुन्नास और हुकूमत के लिए एक तंबी और जाग जाने का पैगाम करार दिया है। टेक्सास और दूसरी रियासतों में आने वाले शदीद नौयत के बर्फानी तूफान से भारी माली नुकसान हुआ है। कम से कम 40 अफराद बर्फ, सर्दी और बिजली मुनक़ता होने से मौत के मुँह में चले गए। बेशुमार अफराद यखबस्ता मकानों में फंस कर रह गए थे। कई इमारतों और मकानात को गहरे नुकसानात का सामना रहा। टेक्सास के दौरे पर सदर जो बाइडन का कहना था कि उनकी हुकूमत लोगों को ये उम्मीद देना चाहती है कि उनके बेहतर मुस्तकबिल को एक नए अंदाज में तामीर किया जाएगा। अमरीकी सदर पहले ही करीब 2 ट्रिलियन डॉलर से मुल्क के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने के अजम का इजहार कर चुके हैं। इस बर्फानी तूफान के बाद ऐसी आवाजों में शिद्दत पैदा हो गई है कि अमरीका को एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो तूफानी मौसमों को बर्दाश्त कर सके। मिकार्थी ने लोगों को मुतनब्बा किया कि वो मुस्तकबिल में ऐसे शदीद तूफानों की ज्यादा आमद से खबरदार रहें और उनकी शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए हुकूमत और लोगों को मिलजुल कर अपनी तवानाइयां एक बेहतर माहौल के हुसूल पर खर्च करनी होंगी। बॉलीवुड की इंतहाई खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय की हम शक्ल पाकिस्तानी लड़की और टिकटॉक मॉडल के पाकिस्तान समेत भारत में भी खूब चर्चे हो रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की इंतहाई खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय की हम शक्ल पाकिस्तानी लड़की और टिकटॉक मॉडल के पाकिस्तान समेत भारत में भी खूब चर्चे हो रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमना इमरान नामी पाकिस्तानी खातून की शक्ल ऐश्वर्या राय से बहुत मुमासलत रखती है। इस हवाले से उन्होंने अपनी कई पोस्ट में कहा है कि मेरी आंखें तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी हैं, जबकि लोग मुझे भारतीय अदाकारा का हम शक्ल भी कहते हैं। आमना भारत की सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय पर फिल्माए गए एक सीन पर भी एक्टिंग करती हैं, जिसे लोगों की जानिब से खूब पसंद किया गया। सन 2000 में रिलीज होने वाली मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या राय ने मरकजी किरदार अदा किया था। NCOC ने 15 मार्च से सिनेमा खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद मुल्क में पाकिस्तानी फिल्में रिलीज की जाएंगी। नामवर अदाकार शान शाहिद ने रवा बरस अपनी फिल्म जरार रिलीज करने का ऐलान किया है, जो गुज़िश्ता बरस रिलीज नहीं हो सकी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुल्क में कोविड 19 केसेस में कमी के रुझान को देखते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने चंद रोज कबल मुख्तलिफ पाबंदियों में नरमी लाने का ऐलान किया था। NCOC ने यह ऐलान भी किया था कि 15 मार्च से इंडोर शादियों की तकरीबात और सिनेमा और मज़ारात को खोलने की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता बरस चंद पाकिस्तानी फिल्में रवां बरस रिलीज के लिए तैयार थी, मगर कोरोना के बाइस सिनेमा घरों को बंद किए जाने की वजह से उन्हें रिलीज नहीं किया गया और जिन फिल्मों की शूटिंग जारी थी उनकी शूटिंग भी कुछ वक्त के लिए रोक दी गई थी। और अब NCOC ने 15 मार्च से सिनेमा खोलने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद मुल्क में पाकिस्तानी फिल्में रिलीज की जाएंगी। NCOC की जानिब से 25 जनवरी को मस्कूरा बयान सामने आया था, जिसके बाद हाल ही में पाकिस्तान के नामवर अदाकार शान शाहिद ने रवां बरस अपनी फिल्म जरा रिलीज करने का ऐलान किया है, जो गुज़िश्ता बरस रिलीज ना हो सकी थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर की गई ट्वीट में शान शाहिद ने कहा, सिनेमा खोलने के फैसले को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर करार दिया। शान शाहिद ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया कि बिलाखिर मार्च में सिनेमा दोबारा खोलने जा रहे हैं। अदाकार ने मजीद कहा कि हम 2020 में फिल्म जरा रिलीज करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोरोना की वजह से उसे रिलीज नहीं किया गया था। शान शाहिद ने कहा कि अब इंशाल्लाह 2021 में जरार को रिलीज किया जाएगा। गुज़िश्ता बरस शान शाहिद ने मद्दाहों के लिए फिल्म का ट्रेलर यौम पाकिस्तान के मौके पर तोहफे के तौर पर जारी किया था। ट्रेलर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि कोरोना के बायस घरों में रहें और इस ट्रेलर से महफूज हों। 3:34 दौरानिया के इस ट्रेलर में शान शाहिद को जरार नामी किरदार में पेश किया गया था, जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ जंग कभी ख़त्म नहीं होती, वहाँ उनका किरदार अमन की तलाश में नजर आया। ट्रेलर में अदाकारा किरण मलिक शान शाहिद के हमरा रोमानवी किरदार में नजर आईं। इस फिल्म में नैयर एजाज भी मौजूद हैं, जो मनफी किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी खुद शान शाहिद ने तहरीर की है, जबकि नदीम बेग भी फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। ताहम शान शाहिद ने ये वाजे नहीं किया कि इस फिल्म को रवां बरस किस तारीख को रिलीज किया जाएगा। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,25,774 तक जा पहुंची, जबकि 2,92,55,000 से ज़ायद मुतासिर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,46,86,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 25,43,285 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,02,00,000 से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2,19,00,000 से ज्यादा है। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,25,776 तक पहुँच गई है, जबकि 2,92,55,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर है। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,11,00,000 से ज्यादा है और 1,57,195 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बरतानिया में 41,76,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,22,849 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 37,55,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 86,454 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 28,569 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 27,01,588 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 41वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,494 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,77,383 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू Only at Tag TV. Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.